જય માતાજી બધાને, ફરી ન્યુ લોગમાં બધા લોકોનું સ્વાગત કરશું. પાણી એ જ દવા, એટલે પાણી જીવનમાં કેટલું જરૂરી છે તે જાણીશું ડોક્ટર પાસે. પણ તેની પહેલાં ચેનલમાં પહેલી વાર હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો મારા મિત્રો. તો ચાલો વિડીયોમાં આગળ વધીએ. નમસ્કાર, મેરા નામ સિમી ખન્ના હૈ ઓર મેં પિછલે 29 સાલો સે ન્યુટ્રિશન ક્લિનિકલ ડાયટિશિયન કા રોલ પ્લે કર રહી હું ઓર બહોત સે લોગો કો બહોત આસાની સે સમજાયા હૈ તાકે વો એક અચ્છા જીવન જી સકે. આજ કા ટોપિક જો જિસ પે હમ બાત કર રહે હૈ વો હૈ પાણી. પાણી જો બહોત જરૂરી હૈ હમ સબકે લિયે. પહેલે મેં બતાના ચાહુંગી કે હમે પાણી ક્યું પીના ચાહીએ. तो सबसे पहले जब हम पानी पीते हैं तो हमारे मुंह से जब जाता है तो सलाइवा से म्यूकस मिक्स होके उसका डाइजेशन अच्छा होता है. तो आपका डाइजेशन जो है वो पहले से बेटर हो जाता है. आपका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है. जो भी आप खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छी तरह से पानी पीना ज़रूरी है. आपका जो बॉडी का वेस्ट है, यानी अगर आप पानी अच्छी तरह से पिएंगे तो डेफिनेटली आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और आपके बॉडी से जो वेस्ट है, यानी कि वॉशरूम जाना, आपका जो पसीना आना, वो सब एक निशानी है कि आपका बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड है. बॉडी जो है वो रेगुलेट टेम्परेचर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. बहुत बार देखा गया है कि हम हमेशा थक जाते हैं, तो एक ग्लास पानी पीने से आपकी वो थकावट दूर हो जाएगी. क्योंकि जब आप हाइड्रेट करते हैं तो आपका ब्रेन हाइड्रेट होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं. तो पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है. जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो लोग सोचते हैं कि हम पानी कम पिए, पर इस मौसम में कम से कम 250 ml पानी पीना बहुत ज़रूरी है. कम से कम 8 glass. जब आप इतना पानी एक आम इंसान पीता है तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. कई बार देखा गया है कि लोग बहुत सारा पानी पी जाते हैं, तो बहुत सारा पानी भी नहीं पीना है क्योंकि वो ओवर हाइड्रेशन हो जाता है. तो जब ओवर हाइड्रेशन होता है तो किडनीज पे भी इफ़ेक्ट आता है और आपके बाकी शरीर में भी सेल्स के अंदर पानी नहीं पहुंचता है. तो आप कैसे पता चले कि आपको कितना पानी पीना चाहिए? तो जब हम वॉशरूम जाते हैं तो अगर आपका यूरिन का कलर डार्क येलो है तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है. पेल येलो आपका कलर होना चाहिए. जितना पानी आप पिएंगे उसका आपका जो असर है आपके शरीर पर वो बेटर होगा. और बहुत ही सस्ता है, बिल्कुल भी इसके लिए आपको कोई पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. पानी कोशिश करिए कि हमेशा एक स्टील की बॉटल में या एक ग्लास की बॉटल में ज़्यादा ले. तांबा मैं मना करती हूँ क्योंकि अगर आप उसको एक अच्छी मेंटेनेंस कर सकते हैं तो आप तांबा रख सकते हैं, वरना ग्लास और स्टील एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए. बहुत बार ऐसा हुआ है कि कम पानी पीने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो स्वयं शक्ति इंडिया को कॉन्टैक्ट करें, वो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर लेकर आएंगे. धन्यवाद.